हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज साक्षी चौरसिया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। ये स्टॉक सिलेक्शन की प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। इन जस्ट 5 मिनट आप इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बेसिस में ट्रेड ले सकते हैं। दैट मीन्स आपको 9:08 पर ये स्टॉक मिल जाएंगे और 9:15 में आप इसके बेसिस में ट्रेड ले सकते हैं। आप इन जस्ट हाफ एन आवर इसमें ट्रेड लेके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। एज यू वेरी वेल नो दैट कि इंडियन स्टॉक मार्केट में 4000 से भी ज्यादा स्टॉक लिस्टेड है, राइट? और उन स्टॉक में से एक स्टॉक सिलेक्ट करना जिसके बेसिस में आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? काफी सारे लोग स्टॉक सिलेक्शन की प्रोसेस रॉन्ग तरीके से करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनके पास एक सही स्ट्रेटजी होते हुए भी इवेंचुअली उन्हें मार्केट में लॉस हो जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक सही स्टॉक सिलेक्ट करें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, अदरवाइज हम उससे प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे। एज वी नो दैट कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हम एक स्टॉक को सिर्फ इधर 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर इतने टाइम तक के लिए होल्ड करते हैं, राइट? और इतने ही टाइम पीरियड में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो जो स्टॉक है वो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दें। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप स्टॉक सिलेक्ट करें ना, देन देयर इज समथिंग जो आप उसमें देखें। एक जो भी स्टॉक आप सिलेक्ट करें उसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए, हाई मोमेंटम होना चाहिए, वो स्टॉक ट्रेंडी होना चाहिए, उसमें हाई वॉलेटिलिटी होना चाहिए। ये चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है जब भी आपको स्टॉक सिलेक्ट करना है। आप काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं कि मैम ये चारों चीज़ें हम एक पॉइंट पे कैसे देख पाएंगे, इट इज़ वेरी हार्ड, राइट? और इसीलिए मैं आपके साथ ये सिलेक्शन प्रोसेस शेयर कर रही हूँ, जो कि ये चारों ही चीज़ें इसके अंदर होंगी और आप सिंपली स्टॉक को सिलेक्ट कर सकेंगे और उसके बेसिस में मार्केट में ट्रेड ले सकेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन ताकि ऐसे ही ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोज आप तुरंत देख सकें। सो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग इन जस्ट 5 मिनट। तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट यूज करनी है, दैट इज एनीशी की ऑफिशियल वेबसाइट। ये मोस्ट रिलायबल वेबसाइट है। आपको मार्केट में बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, बट एनीशी आपको ट्रू डाटा प्रोवाइड करता है। अब देखिए, आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मार्केट डाटा में जाना है और यहाँ पर प्री ओपन मार्केट सेशन के अंदर जाना है, ठीक है? जब आप यहाँ पर जाएंगे ना, तो देखिए इस टाइप का इसमें जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको शो करेंगे कि आज का मार्केट का मूवमेंट कैसे होने वाला है। ये डाटा आपको 9:08 पर प्रोवाइड हो जाता है, दैट मीन्स 9:08-9:10 तक ये डाटा मार्केट में आ जाता है। यहाँ पर एडवांस 34 है, डेक्लाइन 9 है और अनचेंज 7 है। ये शो कर रहा है कि मार्केट में एडवांस 34 है, दैट मीन्स मार्केट का जो मूवमेंट है वो अपसाइड की साइड है। तो इस पॉइंट पर हम मार्केट में सिर्फ और सिर्फ अपसाइड के ट्रेड लेंगे, दैट मीन्स हम सिर्फ बाइंग के ट्रेड लेंगे, हम शॉर्ट सेल के ट्रेड नहीं लेंगे। वाई? बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट कि मार्केट में हम ट्रेंड के साथ ट्रेड लें, क्योंकि अगर हम ट्रेंड के साथ ट्रेड ले रहे हैं देन हमारी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी एंड देयर इज हायर चांस कि आप उससे एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाएं, ठीक है? तो हम यहाँ पर बाय का ट्रेड देखेंगे। अब आप जब नीचे आते हैं ना, तो देखिए यहाँ पर आपको वो स्टॉक अवेलेबल है जिन स्टॉक में हाई वॉल्यूम है, हाई मोमेंटम है, ट्रेंडिंग स्टॉक है और इसमें वॉलेटिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, ये सारे स्टॉक हैं। बट अब इतने सारे स्टॉक में से कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमें कौन से स्टॉक में ट्रेड लेना है, देन सिंपल है। देखिए यहाँ पर आपको चेंजेस मिल रहे हैं। ये जनरली शो करता है कि कितने चेंजेस से जो हमारा स्टॉक है वो मार्केट में ओपन होने वाला है। अब यहाँ पर चेंजेस में जाना है, यहाँ पे परसेंटेज चेंज में आप कर देंगे ना, तो देखिए यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कि किस में नेगेटिव है और नेगेटिव से यहाँ से होते होते पॉजिटिव जाएगा। बट क्योंकि आज मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड की है तो हम यहाँ पर बाय साइड के ट्रेड लेना चाहते हैं। तो देखिए जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया है कि हायर परसेंटेज के थ्रू बताया है कि कौन से स्टॉक में कितनी ज़्यादा मूवमेंट के साथ ओपन हुआ है। अब हमेशा याद रखिएगा कि अगर ये जो मूवमेंट है ये 1 है या फिर 1 के अप्रॉक्सीमेटली है, देन आप यहाँ पर बाय का ट्रेड लेंगे। अगर यहाँ पर जो परसेंटेज चेंज है वो 3-5 होता है, देन आप उसमें अवॉइड करेंगे, बिकॉज इतना हाई परसेंटेज में जो स्टॉक की मूवमेंट होती है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है? बट यहाँ पर हमें बहुत ही माइनर चेंजेस दिख रहे हैं, देन हम इसमें बाय का ट्रेड ले सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दी किस तरीके से। अब जैसे देखिए यहाँ पर हिंडालको दिया, अब यहाँ पर हम चलते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ ये डाटा आपको 9:08 पर मिल जाएगा। आपको 9:15 पे जैसे ही मार्केट ओपन होता है आपको यहाँ पर हिंडालको सर्च करना है, हिंडालको इंडस्ट्री पे जाना है। अब देखिए ये जो हिंडालको है वो यहाँ पर ओपन हो गया है। अब देखिए, अब अगर हमारा जो ट्रेड है, सबसे पहले हमने क्या देखा, मार्केट की देखी कि मार्केट में अप ट्रेंड का साइड है, दैट मीन्स हमें बाय का ट्रेड लेना है। यहाँ पर हमने वो स्टॉक चूज किया जिसमें मूवमेंट अच्छी है, वॉल्यूम अच्छी है,
मोमेंटम अच्छा है, ट्रेंडी भी है, तो हमने यहाँ पे हिंडल को चूज किया। अब यहाँ पर आपको ट्रेड कब लेना है, जब अगर ट्रेड अपने इन मूविंग एवरेजेस के अपसाइड है देन आप बाय का ट्रेड लेंगे, अगर ये अपने मूविंग एवरेजेस के बिलो है देन आप उसमें ट्रेड अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही फर्स्ट कैंडल बनती है ग्रीन कैंडल, आपको जनरली फर्स्ट कैंडल का बनने का वेट करना है, जैसे ही यहाँ पर बनी आपको यहाँ पर ट्रेड ले लेना है। स्टॉप लॉस आपको हमेशा कैंडल के लो पर पुट करना है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपने ट्रेड लिया होता तो आपको 2.25 पॉइंट का प्रॉफिट होता। ये 1:1 का ट्रेडर देखिए इस तरीके से इन जस्ट 15 मिनट देखिए 9:40 तक आपको इसमें 2 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। अब आप कहेंगे 2 पॉइंट कम होता है, बट इंट्राडे ट्रेडिंग में इट इज अ वेरी गुड थिंग। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर हम डॉक्टर रेडी पर चलते हैं, ओके, तो देखिए डॉक्टर रेडी पे यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए ये अपने मूविंग एवरेजेस के अपसाइड है, एक बिग ग्रीन कैंडल बनाई है, तो सिंपली आप यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे बाय का। और देखिए इस तरीके से आपने को 58 पॉइंट का प्रॉफिट होता है, विच इज अ वेरी गुड प्रॉफिट फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। स्टॉप लॉस इधर आप यहाँ पर अपनी कैंडल के लो पर पुट कर सकते हैं या फिर अपने मूविंग एवरेजेस के बिलो पुट कर सकते हैं, दैट इज टोटली अप टू यू। मैं जनरली कैंडल के लो के नीचे पुट करती हूँ बिकॉज इट इज अ वेरी गुड वे टू पुट स्टॉप लॉस। हमेशा याद रखिए बिना स्टॉप लॉस के आपको मार्केट में कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना है, बिकॉज इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी होंगे लॉसेज भी होंगे, तो आपको हमेशा एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ चलना है ताकि आपके लॉसेस कम हो और आपके प्रॉफिट ज्यादा हो पाए, ठीक है। देखिए इस तरीके से अब यहाँ पर देखिए हम और स्टॉक में चलते हैं। आपको यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे, आपको अपने हिसाब से स्टॉक पुट करना है। दैट मीन्स अगर आपको कम प्राइस का स्टॉक चाहिए, आपको हायर प्राइस का चाहिए, आप उस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर HDFC है, अगर आप मिडिल से भी कोई स्टॉक सिलेक्ट करते हैं उसमें भी आपको एक अच्छी मूवमेंट मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने HDFC का ओपन कर लिया है, HDFC बैंक है, इट्स अ सिंपल HDFC है। अब देखिए यहाँ पर HDFC अगर देखेंगे तो ये अपने मूविंग एवरेजेस की अपसाइड है। फर्स्ट कैंडल देखिए यहाँ पर एक डोजी बनी है, अगर आपकी फर्स्ट कैंडल डोजी में बन रही है ना देन आपको वेट करना है, जैसे इसका हाई ब्रेक हो आपको तब मार्केट में ट्रेड लेना है, डोजी के नीचे आपको स्टॉप लॉस पुट करना है। और देखिए इस तरीके से आपने ट्रेड लिया तो आपको ऑलमोस्ट 20 पॉइंट का इसमें प्रॉफिट होता है, विच इज़ अ वेरी गुड प्रॉफिट फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रेड मिल जाएंगे जिसके बेसिस में आप ट्रेड ले सकते हैं। जैसे देखिए यहीं पर हम चलते हैं रिलायंस पर, हमेशा याद रखिए जब अगर जो ट्रेड है वो अपने मूविंग एवरेजेस के अपसाइड है देन आपको बाय का ट्रेड लेना है, मूविंग एवरेजेस के डाउन है तो शॉर्ट सेल का ट्रेड लेना है। काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि कौन से मूविंग एवरेजेस मैंने यूज़ करने, तो मैंने 20 और 40 डे का मूविंग एवरेजेस यूज़ किया है बिकॉज इंट्राडे ट्रेडिंग में मैं यही मूविंग एवरेजेस यूज़ करती हूँ। बिग ग्रीन कैंडल थी, आपको यहाँ पर बाय करना था, और देखिए इस तरीके से आपने यहाँ पर बाय किया तो आपको 10 पॉइंट का स्ट्रेट प्रॉफिट होता है। देखिए इस तरीके से ये इंट्राडे ट्रेडिंग में फर्स्ट आवर में 5.6 पॉइंट का प्रॉफिट, 20 पॉइंट का प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है जिसके बेसिस में आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से अब यहाँ पर देखिए आप शॉर्ट सेल का भी ले सकते थे, अगर आप देखें जैसे आपको मार्केट में शॉर्ट सेल ही करना है तो ये वो सारे ट्रेड हैं जो कि डाउनसाइड में ओपन हुए हैं और आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम विप्रो चलते हैं, अगर हम विप्रो सर्च करते हैं, विप्रो अपने मूविंग एवरेजेस के डाउनसाइड और विप्रो डाउन भी गया था, बट हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। वाई? बिकॉज इसने एक रेड कैंडल फॉर्म नहीं करी। बाय साइड के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो, और सिमिलरली रेड आई मीन जैसे शॉर्ट सेल करना है देन इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आपकी फर्स्ट कैंडल रेड ओपन हो। देखिए अगर आप इस पर ट्रेड ले लेते तो देखिए यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता और आपको यहाँ पर लॉस हो जाता, इसलिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि अगर आप बाय कर रहे हैं तो ग्रीन कैंडल हो, शॉर्ट सेल करना है देन रेड कैंडल हो। देखिए इस तरीके से आप इसमें यहाँ पर स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो और इसके बेसिस में ट्रेड सकते हैं। एज वी नो कि इंट्राडे ट्रेडिंग कभी भी हमें पैनी स्टॉक में नहीं करना चाहिए, और देखिए यहाँ पर आपको कोई भी पैनी स्टॉक नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ट्रेड मिलेंगे, यहाँ पर आपको हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक्स मिलेंगे, 52 वीक हाई और 52 वीक लो के पास होंगे, इससे आपको एक एडवांटेज मिलती है, इनका मोमेंटम भी बहुत अच्छा होता है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। बट इफ अगर आपको ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग लगती है देन एक बहुत ही सिंपल ते हैं जिसके थ्रू आप मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं और स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं, वो है गाइस यहाँ पर जो NEC के टॉप 10 गेनर्स और टॉप 10 लूजर्स होते हैं वो यहाँ पर देखिए आपको सिंपली टॉप 10 गेनर और लूजर मिल जाएंगे। ये वो स्टॉक होते हैं जिनमें हाई वॉल्यूम होती है, ये भी मार्केट में ट्रेंड के ही आपको शो करते हैं कि ये मार्केट में अपसाइड ओपन हुआ है, मार्केट में डाउनसाइड ओपन हुआ है, देखिए इस तरीके से, तो आप ये वे भी यूज़ कर सकते हैं। बट येस ये वे आपको 9:15 पर अवेलेबल होगा और इसमें आपको अपनी एक सेकेंडरी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ेगी इन स्टॉक में ट्रेड लेने के लिए। ओके, तो इस तरीके से ये दो वेज हैं जिसमें आप NEC की ऑफिशियल वेबसाइट को यूज़ करके स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बेसिस में ट्रेड ले सकते हैं। बट स्टिल अगर आपको इस स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो वो आप मुझसे नीचे
कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपको एक स्क्रीनर चाहिए है जिसके थ्रू आप स्टॉक सिलेक्ट कर सके, देन मैंने ऑलरेडी वीडियो क्रिएट करी थी स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर के ऊपर, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री। वो मैं लिंक ऊपर आई कार्ड पे दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। एंड इफ़ यू आर अ बिगनर इन ट्रेडिंग एंड यू वांट टू लर्न ट्रेडिंग, देन मैंने एक पूरा डिटेल से कोर्स क्रिएट किया हुआ है इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास। आप वो कोर्स परस्यू कर सकते हैं, उस कोर्स की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से उस कोर्स में सीख सकते हैं। उसमें मैंने बेसिक टू एडवांस एवरीथिंग क्लियरली बताई थी। वो कोर्स में आपको सारी चीज़ें, स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, इंडिकेटर, हर एक चीज़ क्लियर है। एंड इफ़ यू आर एन ऑप्शन ट्रेडर, देन ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी एक कोर्स है, दैट इज ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर क्लास। आप वो कोर्स भी परस्यू कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी स्टॉक सिलेक्शन की प्रोसेस को सही तरीके से कर सकें। सो थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग इन ट्रेडिंग। ओके।